हेलो गाइस व्हाट्सएप दिस इज आदित्य कुमार फ्रॉम पीएमसीएच पटना। और जितने भी आप नीट एस्पिरेंट्स अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में एक मेजर सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस लॉकडाउन में जो कि बढ़ते जा रहा है और जो कोरोना डिजीज का जो एपिडेमिक है ये जो कम नहीं हो रहा है, इस वजह से जो आपके पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर नीट को लेकर जो जेस्ट था, जो एक्साइटमेंट था, जो तैयारी था, वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ते जा रही है। तो इस मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है इस वीडियो के थ्रू, आज मैं यही करने जा रहा हूँ। इस मेजर पॉइंट को किस सिक्वेंस से अपनी चीजों को रिविजन करेंगे और किस तरह से अपने जेस्ट को, अपने प्लानिंग को प्रोपेगेट करना है, क्या तरीका होना चाहिए। और इसके पहले के भी वीडियोस में मैंने एक अप्रैल का एक प्लान ऑलरेडी बना चुका था फॉर फर्स्ट 14 डेज का। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द डे 16 डेज का मैं प्लान अप्रैल का बताने जा रहा हूँ कि आखिर अब तो लॉकडाउन तो बढ़ गया है, क्योंकि थर्ड में तक एक्सटेंड हो गया है। और खासकर वैसे भी आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है, अभी कोई फर्दर नोटिस नहीं आया है, लेकिन एज जो रूई नोटिस दिया गया था उसके हिसाब से नीट इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन द लास्ट वीक ऑफ द मई। बट आपका वहां तक आप अप्रैल को मार्च समझो और आप मई को अप्रैल समझो। आप इस तरह से आपको काम करना है। और क्या चीजें या फिर अपने आप को कैसे अप टू डेट रखें, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें पहले करना चाहिए, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें पहले करना चाहिए, कितने पेपर्स, कितने मॉक टेस्ट प्रिपेयर, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो तो आप जरूर देख रहे हो फ्रेंड्स, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और आपको नीचे रेड बटन का बटन दिखेगा। खासकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप है और मैं रेगुलर जूम ऐप पे भी मीटिंग लेते रहता हूँ, आपको नेक्स्ट मीटिंग का भी डेट मिल जाएगा। आपके नीट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगा, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, जितना भी तरह का हेल्प है आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, बट यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। तो लेट अस स्टार्ट कि आखिर क्या क्या तरीके होने चाहिए, वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो अभी हम अप्रैल और मई तक अपनाएं। बहुत ही शौक लगता है जब इतनी तैयारी हो हमारी, और खासकर वो टॉपर्स, वो स्टूडेंट्स जो कि इनका 650 प्लस आ रहा होगा। और ये होता है ना कि अच्छे कि हम लोग अगर 600 प्लस ला रहे हैं और बीच में कहीं ना किसी कोई कारण की वजह से अगर वो मार्क्स थोड़ा भी डिक्रीमेंट होता है, और खासकर अभी जो हो रहा है इसकी वजह से काफी स्टूडेंट के मार्क्स में इफेक्ट हुआ है और पढ़ाई के शेड्यूल में भी इफेक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का ना जाना या फिर टीचर्स का अवेलेबल ना होना, आप कितने भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो, लेकिन आप वो ए टू ए इंट्रैक्शन होता है ना, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके बहुत से डाउट्स अनक्लियर रह जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज आर थिंग्स। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं बेसिक प्रिंसिपल सर्च स्टार्ट करूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में छोड़ता और आज इस वीडियो से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो मेजर थिंग है कि आप अपना 16 डेज का प्लान बनाओ। आप यह देखो कि आपने 14 डेज में क्या गेन किया है, क्या लूज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स ही को ही दिक्कत हो रहा है इस नीट में। ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल कॉलेजेस आर बीइंग शट डाउन। इनफैक्ट मेरे भी मेडिकल कॉलेज सब शट डाउन है और पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है। लेकिन इसी पढ़ाई के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपने दिन का कुछ समय निकाल के आपको अपने आप को बांध के रखना पड़ता है कि आपको पढ़ना है, आपकी मंजिल सामने है। आप नहीं पढ़ोगे कोई चारा नहीं है। हो सकता है आप 10 घंटा पढ़ते थे, आप 5-6 घंटा पढ़ो, आप 7 घंटा पढ़ो, मगर आपको ये जो जैसे चेन है, आपको चेन ऑफ कोरोना तोड़ना है, मगर आपको चेन ऑफ अपना स्टडी नहीं छोड़ना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब ये एक सवाल है कि अभी के समय में कितने घंटे पढ़े, पेपर्स क्या बनाए, रिविजन कैसे करे, मॉक टेस्ट पेपर कितने बनाए, या फिर अभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े या फिर क्वेश्चंस बनाए। तो इन ये सब क्वेश्चंस मेरे मन में भी था लास्ट है, लेकिन मैं ये सब चीज को पहले से प्री प्रोग्राम्ड कर चुका था और मैंने एक तरह का शेड्यूल बनाया था, एक प्लानिंग किया था कि मुझे कब क्या करना है। मे बी मेरा बनाया हुआ प्लान आपके साथ लास्ट ईयर मैच नहीं करे, बट अभी का जो चीज है उसे देखते हुए मैं जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप ठीक है, अगर 12 आप जितने घंटे का स्टडी प्लान कर देते, आपको इसके नीट की वजह से, आपको कोरोना की वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कि आपने अपना पूरा पैकेज खत्म कर लिया हो, पूरा टेस्ट आपने सॉल्व कर दिया हो, है ना, मॉक टेस्ट पेपर आप बना रहे हो और बना बना के थक गए हो, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या हर मॉक टेस्ट पेपर आपसे 100% बनते हैं? या फिर आपने अब तक जितने भी टेस्ट दिए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स, 1 ईयर कोर्स, अभी तक आपके सब टेस्ट कंप्लीट हो गए या फिर आपने सब टेस्ट के रिविजन कर लिया? अगर नहीं किया है तो आज से ही शुरू करो, और अगर कम किया है, अगर हाफ टेस्ट किया है, तो पूरा फुल का फुल रिविजन शुरू कर दो। रिविजन इज अ बोरिंग प्रोसेस, बट रिविजन लीड्स टू सक्सेस। आप जितनी बार चीजों को रिविजन करोगे, आपको करना क्या क्या, मैं पॉइंट्स वाइज में बताऊंगा। सबसे पहले तो अपना एक स्टडी प्लान, जैसे कि अगर आपसे 12 घंटा नहीं पढ़ा जा रहा है, आप क्या करो, आप 10 घंटा पढ़ो,
आप 10 घंटा पढ़ो, आप 8 घंटा पढ़ो, आप 7 घंटा पढ़ो, बट इससे कम नहीं करना है आपको, क्योंकि इतना लग ही जाएगा, इतना लग ही जाएगा। ये इस 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में किस तरह से अपनी चीजों को ट्राइज करना है, ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या फिर आपको लगता था तो इसमें मेरे कुछ चैप्टर्स इसके मैंने न्यूमेरिकल्स किए नहीं है या फिर मुझे करना है, तो उन चैप्टर्स को पहले पकड़ो, क्योंकि आपको अपने चैप्टर्स को ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल में कैटेगराइज करना होता है। ए लेवल वैसे लेवल होते हैं जो कि बहुत ही जो इजी चैप्टर्स होते हैं, उससे बी लेवल थोड़ा टफ, उससे सी लेवल और भी टफ है ना, तो ये आपको कैटेगराइज करना है। अब जो ए और बी है वो तो आप ऑलमोस्ट बना ही चुके हो, ये ऐसा मेरे विपिन सर जो है वो कहते हैं, समझाते थे, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब जो सी लेवल के जो चैप्टर जो आपको टफ रहते हैं, सब क्वेश्चन नहीं बना पाए हो, उस क्वेश्चन को टच करो, उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बनो। आपने, आप लोगों में से कितने एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ा होगा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी एनसीईआरटी, बेस्ट टाइम टू स्टडी एनसीईआरटी। बायो रट जाओ, जितने बार पढ़ना हो पढ़ जाओ। 32 to 36 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था बायो का, 32 to 36 टाइम्स, एंड इट मैटर्स। मे बी आप नहीं पहुंच पाओ, अलग बात होता है, कोई एक बार में पढ़ के समझता है और कोई बहुत बार में पढ़ सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपको ट्राइज करना है। तो सबसे पहला है आपको एक रिविजन स्ट्रैटेजी बनाना है, कि आप दिन में, आप ऐसा कर सकते हो, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट कर लो, है ना, आप 2 सब्जेक्ट करो, 2-2, 3-3 घंटा अपने हिसाब से पढ़ लो, रिविजन करो। आप फिजिक्स में फॉर्मूला का रिविजन करो, आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करो और फॉर्मूलाज करो, फॉर्मूला तो रिविजन होना ही चाहिए। बायो में अगर आप ये पूछते हो कि थ्योरी पढ़े या फिर क्वेश्चन पढ़े, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने शुरू से क्या किया, आपने शुरू से क्या थ्योरी पढ़ा था, अगर आपने थ्योरी पढ़ कर काम चलाया था तो आप थ्योरी पढ़ो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो आप फिर क्वेश्चन के थ्योरी पे जाओ। और इस समय में जो मेजर काम करते हैं, जो मेजर पार्ट करते हैं, वो ये होता है कि आप मॉक टेस्ट पेपर आपको बनाना होता है, आप प्रीवियस ईयर को बार बार रिविजन करो। कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही गलती हो जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को रिविजन करो, आप मॉक टेस्ट पेपर